पीपल्स पार्टी की विकेट गिर गई। पीपल्स पार्टी अमरीका लेडीज विंग की रहनुमा अदीबा गिल मक्सी जीडीए में शामिल हो गई। आम इंतखाबात में से टनवालायार में अपनी बहन डॉक्टर राहिला गिल मक्सी को जितवाने के लिए सरगर्म। चंद रोज कबल टनवालायार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलविदा कहने और जेडीए में शमूलियत इख्तियार करने वाली साबिका पीपल्स पार्टी लेडीज विंग अमरीका की रहनुमा अदीबा गिल मक्सी ने कहा कि जिला टनवालायार में पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी से मायूस होकर उन्होंने ऐलान किया कि मेरी बहन साबिका सेनेटर और जिले नाजमा डॉक्टर राहिला गिल मक्सी जिले टनवालायार में पीपल्स पार्टी के सामने इलेक्शन लड़ने जा रही है। ये मक्सी इत्तेहाद और मक्सी खानदान से है क्योंकि मक्सी खानदान ही हमेशा जिले की बेहतरी है। उन्होंने तरक्की और अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश की और माजी में मक्सी खानदान ने टनवालायार को जिले का दर्जा दिलवाया। डॉक्टर राहिला मक्सी के दौर हुकूमत में यहाँ रिकॉर्ड तोड़ तरक्याती काम हुए जो कि एक मिसाल है। आज के दिन भी जेडीए के रहनुमाओं पर पीर साईं पगारा ने हम पर एतमाद किया और उनकी क्यादत में हम आम इंतखाबात में मुखालफीन को शिकस्त देंगे। मैं और पीर साईं पगारा मेरी बहन डॉक्टर राहिला गिल मक्सी और भतीजे मोहसिन मक्सी के साथ हैं। अब टनवालायार की अवाम बाशऊर हो चुकी है। इलेक्शन में हमें जिले के अवाम से तवक्कुआत वाबस्ता हैं और हम हमेशा की तरह अवाम के साथ रहना चाहते हैं और उनकी इंशाअल्लाह खिदमत का मौका मिला तो हम अपने लफ्जों से पीछे नहीं हटेंगे। उनके साथ अंजुमन ताजरान के सदर वकार हमीद मेमन भी मौजूद थे, जबकि अदीबा गिल मक्सी ने टनवालायार प्रेस क्लब नई नौमुंतखब बाड़ी को अजरक के तहाइफ भी पेश किए और मुबारकबाद भी पेश किए। सब का पहली तमा प्रेस क्लब टनवालायार अचर से दिली मुसरत महसूस कर रही आई मुबारकबाद दिनम ये सब भाइर के बजट के बॉडी के लिए। सेकेंड गाल इलेक्शन जो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के टनवालायार के नुमाइंद की नाकिस कारकर्दगी तमाम मायूसी मायूस थे आज़ाद मक्सी इतिहाद आई सिस्टर डॉक्टर राहिला मक्सी पैं भाणे जो मोहसिन उन्हें जो साथ पहल स्पेशली छो जो रही सलाह बख्श मक्सी जो आज़ाद मक्सी इतिहाद एक बिज पोखियल है मक्सी फैमिली की यूनिटी में उन्होंने मेन स्ट्रेंथ है तो समझा थी तो यह शे असाके इंशाल्लाह सुठो फल दी। मैडम आप भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रही हैं, 15 साल कारकर्दगी पीपल्स पार्टी की किस तरह देखना? पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी दूसरे जिलों में तो मुझे इतनी मालूम नहीं है, मगर कराची हैदराबाद और बिलखसूस हमारा ज़िला टनवालायार उनकी कारकर्दगी बहुत नाकिस रही, बहुत मायूस कुन रही। जो भी चीज़ें हमें पहले दिखाई गई कि ये तरक्याती काम है या ये बेहतरी आएगी या ये सफाई के हवाले से या ये तरक्याती कामों के हवाले से वो कुछ भी सरजमीन पर नहीं है। वो रोड्स और वो शाहराहें वो गलियां जो मेरी बहन डॉक्टर राहिला मक्सी के बल्दियाती दौरे इकदार में बनाई गई वो आज भी अपनी बेहतर हालत में हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों की बनाई गई जो भी तरक्याती स्कीमों में रोड गलियाँ थी वो बनते ही जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मैडम एक तो मीडिया टाक में बचानी साहब का कहना था कि मुखालफिन को टनवालायार में सेकंड प्रपोजल भी नहीं मिलेगा, इस हवाले से आपका क्या कहना है? नहीं ये तो बिल्कुल बात ठीक नहीं है, मगर वो दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुखालफिन तो ये ज़रूर बोलेंगे मगर ऐसी कोई बात नहीं है, हकीकत पर मबनी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने अगर कोई मजबूत अपोजिशन है तो वो मक्सियों की है और अल्लाह की मेहरबानी है मैं और मेरी बहन मिलकर और इंशाल्लाह मेरा भांजा हम आने वाले 8 फरवरी के इलेक्शंस में बहुत एक बेहतर और एक मुस्बत तस्वीर टनवालायार की आवाम के सामने। अजी आप क्या बेहतर समझकर पीपल्स पार्टी में गई थी और क्या बुरा समझकर पीपल्स पार्टी से वापस आ गई? देखिए बेहतर पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी जमात है, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की एक पाकिस्तान की पार्टी एक मुल्क की पार्टी है और हमारे जो पीपल्स पार्टी के जो कायदीन हैं वो भी बेहतरीन हैं। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, अली फरियाल साहिबा, हमारे पीपल्स पार्टी के वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत अच्छे लीडर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
मगर पीपल्स पार्टी में जाना ये था कि शायद पीपल्स पार्टी में जाकर हम आवाम की ज़्यादा अच्छी खिदमत कर सकें, हम आवाम में ज़्यादा मुस्बत कारकर्दगी दिखा सकें, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, इसके बरक्स हुआ। और फिर उस मायूसी ने मुझे वो राह दिखाई कि मैं बेहतर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिले डंडोआ लायार की मायूस कुल कारकर्दगी को देखते हुए किनारा कश किया। मैडम ये गाली गलत नहीं है, मैडम रायला गुल बख्शी के प्लेटफॉर्म के बजाय आज़ाद इलेक्शन बढ़िया तो नहीं पे तो गुजर इलेक्शन जो मैडम जी डी के प्लेटफॉर्म का कंटेस्ट की मगर उत शिकस्त हो वरी तो हे जी डी प्लेटफॉर्म तेरी मतलब अड़ो तक जी डी में दफा अड़ो यकीनदानी कराई वही या छाजे करे तायो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कियो न जीडीए जो प्लेटफॉर्म तारे को पंजो आजाद हेतो इताद वाए मक्सीदा जी जीडीए में मण आपा राहिला जो यो फैसलो जेको आए सो डेफिनेटली इन हवाले सा मा समझा थी बेहतर आए जो पीर साईं बागारा जी इकली दराज कद शख्सियत आपा राहिला ते एतमाद कयो आ कि उनन के आपा राहिला उन्हें जीडीए जो प्लेटफॉर्म ते इलेक्शन भी मतलब पीर साईं उन्हें एतमाद करे उन्हें